हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया मॉल। जामिया मॉल स्कूल मौजूद है जामिया इस्लामिया के साथ अमरगढ़, जो यहीं से रिवोल्यूशन फैला पूरा हिंदुस्तान में फैल चुका है। किसी भी सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र आए हैं अभी से, उनसे बात करते हैं क्या करना चाहेंगे, किस तरह से यूनिवर्सिटी को अटैक कर रही है और इलाहाबाद को छूटा नहीं रहे, खासतौर पर योगी सरकार का बिहेव है इलाहाबाद भी शिकार हो रहा है। ओवरऑल बताएं क्या चल रहा है वहाँ पर? देखिए वहाँ भी आंदोलन चल रहा है और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है। बड़ी बात यह है कि ये जो सरकार है इसको लोकतंत्र से और भारत के संविधान से बहुत डर लगता है। जो आरएसएस की मंशा है, ये आरएसएस पर के एजेंडे को लागू करने वाली सरकार है। आरएसएस की जो मंशा है वो बड़ा खतरनाक है। देश को धर्म के आधार पर बांटने की योजना है, हिंदू राष्ट्र कथित तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना है। लेकिन उनके लिए उनके सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वो देश का संविधान और देश का लोकतंत्र है। क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक इस देश में लोकतंत्र रहेगा, जब तक इस देश में संविधान का शासन रहेगा, जनता द्वारा चुनी गई सत्ता रहेगी, तब तक वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो बारी बारी से संविधान पर हमला कर रहे हैं। और हम लोग ये तय कर लिए हैं कि जब तक ये तरह का धार्मिक अभिभेदीकरण करने वाला कानून, विनाशकारी कानून अगर नहीं वापस होता सी डबल ए, तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आर पार की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ हम पीछे हट गए। जैसे अमित शाह बोल रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, वैसे हम लोग भी बोल रहे हैं कि आंदोलनकारी होने के नाते कि हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि इस देश के संविधान का सवाल है, इस देश के राष्ट्रीय ध्वज का सवाल है, इस देश के लोकतंत्र का सवाल है। क्योंकि आने वाले समय में अगर हम पीछे हट गए, सी डबल ए पूरी तरह से लागू हो गए, तो ये देश पहला ऐसा कानून होगा जो धर्म के आधार पर लागू किया गया है। और इतनी बड़ी संख्या से हार जाएगी और आरएसएस आरएसएस को लोग जीत जाएंगे। सरकार स्पेशलिस्ट से क्यों डर रही है और स्टूडेंट आवाज आवाज सुनने को सिर्फ पूछते हैं, सरकार उन्हें अर्बन लक्षण बात करती है? क्योंकि उनको पता है कि यही है, यही ताकत है जो उनसे लड़ रही है, यही ताकत है जो उनके मंसूबे को समझ रही है, और यही वो ताकत है जिसके कारण वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे। आज देखिए कितना दिन हो गया उनका संसद के पटल पर उस बिल को रखे हुए, कानून उन्होंने पास भी कर दिया, लेकिन देश स्वीकार करने के मूड में नहीं है। हर जगह सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, लोग बाहर निकले हुए हैं, चाहे लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, कुछ हर जगह सड़कों लोग कह रहे हैं कि रोलेक्स एक्ट जो आया था अंग्रेज लाए थे लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, बिना पर इस तरह का रोलेक्स एक्ट आया खासतौर पर खास वर्ग को साइड लाइन करने के लिए। देखिए अंग्रेजों के समय जो हुआ सो हुआ, इनको याद करना चाहिए, अमित शाह को इतिहास जानना चाहिए, अमित शाह जी को ये जानना चाहिए कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उस समय ये बोला गया था, जो लुई सोलहवां थे उनको भी लगता था कि आई एम द लॉ, आई एम द स्टेट, हम ही सब कुछ है, हम ही देश चलाएंगे, हम जो बोल देंगे वही कानून है। लेकिन जब क्रांति वहाँ पर हुई, जब वहाँ पर दुनिया को चलाने के लिए संप्रभुता समानता जो संवैधानिक आधार पर देश को कैसे चलाया जाता है वो व्यवस्था जब लोगों को मान लेकर के क्रांति की है, तो वही सोलहवां खंभे पर टंगे हुए मिले थे। हिटलर का कोई नाम लेने वाला नहीं है आज के समय में, तो इन्हें भी ये नहीं समझना चाहिए कि अगर इनको सरकार मिल गई है, सत्ता मिल गई है, ये देश से ऊपर है, देश ऊपर नहीं है। कब तक आप लोग करेंगे? जब तक वापस नहीं ले सकते, क्योंकि हम बता तो रहे हैं कि संविधान का सवाल है, आइडिया ऑफ इंडिया का सवाल है कि संविधान को अगर ये छेड़छाड़ करते हैं और हम अगर हमारे जीते जी अगर ये लागू हो जाता है तो ये हमारी हार होगी। और इस देश में हम लोग दुनिया को चलाने वाली सबसे बड़ी विचारधारा है वो समाजवाद है और लोकतंत्र है। इस व्यवस्था में लोकतंत्र का कायम रहना देश में बहुत जरूरी है। जामिया के छात्रों ने साबित किया है कि इस देश में बदलाव की बयार जो है, जो नेतृत्व है, वो जामिया के लोगों ने दिखाया है। इनके साहस का, इनके समर्पण का और इनकी जीत का हमको हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता अभिषेक, जो कि जामिया इस्लामिया में चल रहे हैं।